हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल Mplive। दोस्तों, मेरे साथ हैं मोहम्मद रफ़ी की दूसरी आवाज़ कहे जाने वाले, दुनिया और भारत में 600 से ज़्यादा शो परफॉर्म करने वाले विनोद सुर्वे जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल और हमारे चैनल Mplive दोनों में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे मध्य प्रदेश वासियों की धन्यवाद देता हूँ और ख़ासकर हमारे दोस्त आचार्य वैभव केसकर जी का, जिन्होंने आज हमें यहाँ पर न्योता दिया। कुछ हम फ्यूचर प्लान करने वाले हैं रफ़ी साहब, लता मंगेशकर और किशोर दा के गानों का। आपको तो मालूम है कि MP जो स्टेट है वहाँ पे किशोर दा और लता जी का जन्म हुआ है। जी जी जी। और संगीत की त्रिमूर्ति कही जाने वाली है लता जी, रफ़ी साहब और किशोर कुमार। इनके शोज़ हम MP, महाराष्ट्र और दुनिया भर में प्लान कर रहे हैं अभी। वो एक थीम शो करके हम पूरे वर्ल्ड वाइड उसको लेके जाने वाले हैं, ऐसा हमारा फ्यूचर प्लान है। तो आप इन तीनों जो त्रिमूर्ति है, जो संगीत के महारथी हैं, इनको लेके पूरी दुनिया में आप शो करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये कब डिसाइड हुआ कि हमें ये करना है? ये कॉन्सेप्ट, मतलब मैं इससे पहले भोपाल में आ चुका हूँ गाने के लिए। श्री अनूप श्रीवास्तव जी ने बुलाया था मुझे, नवा ग्रुप के भोपाल की। उसी दौरान वैभव भाई से मेरी मुलाकात हुई। वो बोले कि हम कुछ प्लान करते हैं। तो किशोर दा और रफ़ी साहब के बहुत सारे शोज़ होते हैं, तो मैंने उनको बोला हमारे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी सिंगर है लता जी की, मनीषा जी, उनको भी मैं लेके आता हूँ। तो उसी के लिए हम मीटिंग के लिए आए हैं। और उनके जो स्पेशल सॉन्ग्स है, कुछ रेयर सॉन्ग्स है, कुछ फेमस सॉन्ग्स है, वो सारे हम उनका जो एरा है पूरा कि वर्सेटिलिटी तीनों की, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे सबको गाने से। ये तीनों इतने बड़े नाम हैं कि संगीत शुरू भी यहीं से होता है और ख़त्म भी इन्हीं तीन नाम पे ही होता है। जब आप मध्य प्रदेश में आपने ये प्लानिंग करी कि हमें ये शो लेकर आना है, तो आपको लगा नहीं कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट तो पहले ही आ जाना चाहिए था? मध्य प्रदेश जन्मभूमि है किशोर दा की और लता जी की। जरूर लगा था, लेकिन बोलते देर आए दुरुस्त आए, और जो भी कोई भी अच्छी चीज़ की शुरुआत जब भी करो उसी से ही होती है। शुभस्य शीघ्रम बोलते हैं कि जिस टाइम पे दौर में अगर वो कंसेप्ट दिमाग में आते तो शायद ऊपर वाला उसी टाइम से हमसे करवाना चाहता है। यही चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ। और आज मीटिंग हो गई और हम उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे। विनोद जी, आप कितने साल से सिंगिंग में हैं? जी, मैं 15 साल से प्रोफेशनली गा रहा हूँ। स्कूल के दौर में मैं बहुत म्यूज़िक सुनता था घर से, मम्मी से। दूसरी चीज़, फिर बाद में मैंने इंटर स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लिया और मुझे कॉन्सोलेशन प्राइज, सेकंड प्राइज मिले। फिर मैंने संगीत की शिक्षा ली सुगम संगीत पूना से, विकास कशाड़कर जी से, और पटियाला घराने से 2 साल में सीखा, साढ़ों के सर से पूना से, क्योंकि रफ़ी साहब का पटियाला घराना था। और कुछ चीज़ें मुझे रफ़ी साहब के गानों में ढंग लाना था, तो मुझे वो सीखना ज़रूरी था, क्योंकि सुगम संगीत से मैं उनको ठीक से नहीं गा पा रहा था। जो उनका ढंग है, जो उनका बेस है, उस हिसाब से तो ऐसा सीखा मैंने वहाँ से। रफ़ी साहब की तरफ कैसे आकर्षण हुआ? मतलब सिंगर तो सिंगर ही होता है वो, तो उसको तो सभी कुछ गाना चाहिए, तो रफ़ी साहब के लिए पर्टिकुलर इतनी श्रद्धा, इतना आकर्षण क्यों? ज़रूर, हर एक इंसान की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो मेरा सुनना पहले स्टार्ट हुआ, जो मैं उनको भगवान मानता हूँ, लता जी, उसके बाद में मराठी में बहुत बड़े सिंगर है सुधीर फड़के जी से। फिर उनको सुनते सुनते मुझे रफ़ी साहब और किशोर दा के भी कुछ गाने याद आने लगे। मैंने इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, इसमें मैंने फर्स्ट राउंड में तलत जी का सॉन्ग गाया था, फिर वही शाम तलत जी का मैं रफ़ी साहब का फाइनल में गाया था उसका। अच्छा, तलत जी का भी गुनगुना पाएंगे? जी जी जी, तलत जी का एक गाना है वो। वैसे तो मैं स्टेज शो में सिर्फ रफ़ी साहब के गाता हूँ। एक ठोकर फिल्म आई थी शम्मी कपूर साहब की, उसमें शेर की रात और मैं ना शाद ना कारा जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, ऐ
गमे दिल क्या करूँ, ये बहुत ही पुराना सॉन्ग है तलत साहब का। फिर मैंने फाइनल में रफ़ी साहब का गाया था गाना, वो ऐसा था, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, ये जिंदगी है सफर तो सफर की मंजिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। तो मुझे इस गाने से कॉन्सोलेशन प्राइज मिला था। फिर मुझे एक बुज़ुर्ग थे वो भी कंपटीशन के लिए आए थे, उन्होंने बोले थे बेटा तुम्हारा गला ये रफ़ी साहब के गानों से मैच होता है, उन्होंने पहली बार बोला, तो आप इसमें ट्राई करो। फिर मुझे मालूम नहीं था कि रफ़ी साहब ने कौन से गाने, क्योंकि म्यूज़िकली बैकग्राउंड से नहीं था मैं। फिर मैं जो भी कैसेट मिली वो लेके आया था रफ़ी साहब के गाने, तो धीरे धीरे यहाँ से कलेक्शन करते करते मेरा जुनून इस तरह सवार हुआ रफ़ी साहब के गानों, क्योंकि बैंड में गाना बजता था जो म्यूज़िक के लिए ध्यान में था ट्यून से, लेकिन गाना नहीं मालूम था। तो कैसेट वाले मुझे बोला कि ये गाना है फिल्म स्वर्ण सुंदरी से, कुहू कुहू बोले कोयले, हर बैंड में बसा था। तो फिर मैं वहाँ गया तो मुझे एक पता चला कि यूपी में एक आदमी के पास वो गाना था, वो 30 रुपीज़ दे के वो रिकॉर्ड करता था, वो उस टाइम पर मैं यूपी जाके वो गाना लेके आया, और उसके पास भी मुझे बाद में रफ़ी साहब ने हज में एक अजान दी थी लाइव अजान, जब वो हज गए थे तो अजान भी उनके पास थी, वो भी मैं लेके आया था। अच्छा, तो भोपाल तो खैर हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का ही शहर है, और यहाँ तक यहाँ पे तो नवाबी शहर बोलते हैं, वो अजान आप गा पाएंगे अभी, कर पाएंगे अजान? हाँ, बहुत खुशी होगी भोपाल के दर्शकों को। जरूर जरूर, बहुत दिनों से मैंने, अभी मुझे उसको एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मैं जा रही हूँ। जितना आप कर पाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर। ये थोड़ा जैसा हम अरेबी ट्यून्स जैसा बोलते हैं, अरेबियन सॉन्ग्स, उस मोड में थोड़ा सा है। बहुत सुंदर, मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, बहुत ही खूबसूरत। मुझे पता है कि भोपाल के दर्शक और जितने भी यहाँ भी ये इंटरव्यू जाएगा, जितने भी मुस्लिम भाई है, उनको तो मज़ा ही आ जाएगा सुन के। मैंने आपका भी वो गाना सुना, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है ये, मैंने इंटरव्यू किया था मनोहर उदास जी का, और उन्होंने भी वो गाना गाया हुआ है, तो मेरा मनपसंद गाना आप गा चुके हो। रफ़ी साहब का पहला गाना कौन सा था, और यदि आप वो गुनगुना पाएँ तो? रफ़ी साहब का फिल्म हिंदी में गाँव की गोरी से था, और पंजाबी फिल्म आई थी गुल बलोच, उसमें सोनी यानी हीरी यानी तेरी याद नहीं आवाना, लेकिन मुझे उसके बोल अभी याद नहीं आ रहे, हिंदी वाला। लेकिन मैं आपको उनका पंजाबी एक अच्छा गाना सुना था। अच्छा, ठीक है। जी, दो लाइन सुना था। मित्र प्यार मित्र प्यार हाल मुरी दादा कहना, मित्र प्यार तुद बिन रोग रजाया दाड़न, तुद बिन रोग रजाया दाड़न,
नागनी वासा दे रेना, नागनी वासा दे रेना, मित्र प्यार। ये गुरबानी है रफी साहब की वॉइस, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, राग यमन में है। क्या कितनी सुंदर बात है कि अभी अजान फिर गुरवाणी, और ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत की संस्कृति ही अभी समा गई है रफ़ी जी के गानों में। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि कभी भी दिल में ये कसक होती है कि हम किसी एक जगह पे जाके टाइप्ड हो गए, हमें वर्सेटाइल हो सकते थे, हम प्लेबैक सिंगिंग में मॉडर्न गाने भी ट्राई कर सकते थे, वो कहीं होता है मन में, या आप संतुष्ट हैं? जी, हमने देखा कि जैसे मैंने आपको बोला कि लता जी और रफ़ी साहब इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें हमारा जो हम जैसे कलाकार हैं उनका बहुत बड़ा स्वार्थ है। कैसा मैं आपको बोलता हूँ, अभी इंडिया में बहुत सारे सिंगर्स अच्छे से सिंगर हैं, रफ़ी साहब के, किशोर दा के, हमारा स्वार्थ ये है कि अगर हम कुछ नया कंपोजिशन करें तो वो लोगों को पसंद आनी चाहिए, और वो पसंद आने तो उसमें हमें काम मिलना चाहिए और उसमें हमारा इनकम। तो ऐसा सोच लीजिए कि हम वो हिसाब से बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन ये बना बना इंस्टीट्यूशन, इनके सॉन्ग अगर हम अच्छी तरह से रियाज करके उसको एक्सप्रेशन के साथ में उनको रेगुलर सुन के लोगों तक करें, तो उसमें जितना काम है जो हम खुद करें क्रिएटिव जो भी, उसमें 1% भी नहीं है, उसमें इतना इनमें काम है। ये हमारा थोड़ा स्वार्थ है, क्योंकि इतने बड़े लोग, एक संगीतकार जब आते हैं इनसे गवाते हैं, और इन्होंने हमारे लिए इतना ईजी कर दिया है कि हम गाने सुन के ऐसे गुनगुनाते हैं, और हमें उन्हीं के कारण इज्जत मिलती है, पैसा मिलता है, लोग वाह वाह करते हैं, वॉइस ऑफ रफ़ी बोलते हैं, इतना अच्छा लगता है। हम तो उनकी पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है कुछ कुछ जगह की, वो हम दिल ही दिल में खुश होते हैं, लेकिन उसमें हम हमारे नेचर में और हमारे स्वभाव में वो चीज़ कभी भी नहीं ला सकते, वही सच सच्चा आर्टिस्ट होता है। 600 शो, एक 12 साल का बच्चा यदि ये इंटरव्यू देख रहा हो तो आप, और वो सिंगर बनना चाहता हो, तो आप क्या कहेंगे उससे? मैं तो पहले बोलूँगा कि एक टीचर 100 बच्चों को सिखाता है, नॉर्मल टीचर स्कूल का, वो हमेशा चाहता है कि 100 बच्चे मेरी बात वो माने, लेकिन उनके करियर उनके नसीब बालिग होते हैं। कोई पॉलिटिशियन में जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर, कोई एजुकेशन, कोई आर्टिस्ट बनता है। तो मैं इतना बोलूँगी कि अपना अपना कैपेसिटी माँ बाप उनका समझ ले कि उनका जॉनर क्या है, उनका ध्यान किधर है, उनमें करे। अगर कले का ये है तो उनको कौन से गाने पसंद आते हैं, अगर उनको नए गाने पसंद तो नए गाने भी बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े सिंगर हैं, और गाने तो सभी अच्छे हैं, हम कैसे लेते हैं उनको मालूम है। म्यूज़िक हर जगह है, संगीत तो संगीत ही है, संगीत संगीत है, कोई इंस्ट्रूमेंटल सुनता है, कोई जैज़ सुनता है, कोई रॉक सुनता है, कोई क्लासिकल सुनता है, कोई मैटली का सुनता है जी, लेकिन संगीत हर चीज़ में, संगीत हमें नेचर से मिला है। आप पानी में पत्थर मारोगे तो आवाज़ आएगी, बादल गड़गड़ाएंगे तो वो आवाज़ आएंगी, सब जगह संगीत है। इसको एक बेसिक 7 सुरों में पिरो के उसको एक राउंड कर लिया, और उसी के बीच में जैसा ABCD में 26 ये रहते हैं, उसी चीज़ में वो किया है मेरे ख्याल से। तो नए बच्चों को तो मैं ये इतना चाहूँगा कि उनका ध्यान किस में है, उनका इंटरेस्ट किस में है, वो क्या करना चाहते, लेकिन माँ बाप उनको टर्न कर सकते। मेरे बच्चों का देखो, मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं घर में कंटिन्यू लता जी, रफ़ी साहब, किशोर दा के गाने लगा दो, तो मेरे बच्चों को भी 8-10 गाने अभी से आते। मेरा बच्चा 5 साल का है, वो रफ़ी साहब के गाने बोलते हैं मेरे साथ में। तो हम अगर अच्छा उनको देंगे संस्कार म्यूज़िक के, तो म्यूज़िक सबसे बड़ी बात है कि म्यूज़िक से लगाओ। तो म्यूज़िक रफ़ी साहब के गाने, लता जी के गाने, किशोर दा के गाने, ये म्यूज़िक का एक पार्ट है, म्यूज़िक बहुत बड़ा है, लेकिन म्यूज़िक से लगाओ। और इन लोगों ने कितना बड़ा अचीवमेंट किया है, इनसे कुछ सीख के इनके सॉन्ग गाओ, या फिर इनसे सीख के इन्होंने क्या क्रिएटिविटी की, एक्सप्रेशन कैसे लाए, प्रोनाउंसिएशन कैसे लाए, वो तुम खुद को करके खुद की भी क्रिएटिविटी कर सकते। अभी कोई चाहता है कि नहीं मुझे नहीं किसी को गाना है, मैं इनको सुनूंगा लेकिन मैं खुद का क्रिएशन करूंगा, मैं गिटार सीखूंगा, मैं कॉर्ड पे करूंगा, थोड़ा सा बाहर वाला संगीत, पाश्चात्य संगीत बोलते हम, वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने लगन से करना हर चीज़। अरिजीत सिंह को भी गा सकते हैं, जगजीत सिंह को भी गा सकते हैं, रफ़ी साहब को भी गा सकते हैं, सोनू निगम को भी गा सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सही शास्त्रीय संगीत ले, उसमें सही एक्सप्रेशन देखें, क्योंकि एक्सप्रेशन पे बहुत डिपेंड करता है। आपने कुछ लिखा और इन्होंने कुछ बनाया, ये दोनों का मेल करके मैं तीसरा आदमी हूँ, मीडिएटर,
मुझे एक्सप्रेशन के सामने वाले को बताना पड़ता है कि हम तीनों ने ये किया है, और जो जो समझता है और जो हंसता है या टाली मारता है तो हमारा काम पूरा होता है। सही बात है, वो संगीत ही क्या है जो दिल तक ना पहुंचे। जरूर जरूर, एकदम सही बात बोले आपने। तो विनोद जी, आपने हमसे बात करी, बहुत